हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज। मेरा नाम है सचिन और मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है क्लास 12th के बायोलॉजी का सिलेबस ओवरव्यू, कि क्लास 12th में बायोलॉजी में क्या क्या पाठ्यक्रम है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गाइस, यहां पर हमने क्लास 12th के बायोलॉजी का पूरा सिलेबस ओवरव्यू लिख दिया है। गाइस, इसमें जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वह है जीवों में जनन। जीवों में जनन, गाइस, जीवों में जनन होता क्या है, आखिरकार जीवों को जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी जीव है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह जनन की प्रक्रिया को अपनाएगा। अगर वह जनन की प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा तो उसका जो इस संसार में अस्तित्व है वह नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं और वो निषेचन करके संतति को उत्पन्न करते हैं, फिर कुछ पश्चात उसकी जो संतति उत्पन्न होती है उसमें भी परिपक्वता आती है, परिपक्वता के दौरान वह भी किसी दूसरे संतति को जन्म देगा। और अगर वह निषेचन न करे तो उसका जो संतति का जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है, जो उसका अस्थायित्व है, वह पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। तो इसमें गाइस, हमें इसीलिए जीवों में जनन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ी। और गाइस, इसमें हम लोगों का जो टॉपिक है वह है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, युग्मक जनन और स्थानांतरण। ये सब क्या होते हैं हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात गाइस, इसमें दूसरा जो चैप्टर है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, गाइस, लैंगिक प्रजनन होता क्या है, लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें नर व मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं तथा वे निषेचन करके किसी एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो गाइस, इसमें हम लोगों को पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप वे पादप होते हैं जिसमें पुष्प आते हैं उसे हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं। गाइस, इसमें हम लोग पुष्पी पादपों जो पुष्प है उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग लघु बीजाणुधान, गुरु बीजाणुधान, निषेचन पूर्व संरचनाएं व घटनाएं, निषेचन पश्च संरचनाएं व घटनाएं, भ्रूणपोष, असंग जनन, बहुभ्रूणता, इसके साथ साथ हम लोग स्वपरागण, परपरागण, सजात, पुष्पी परागण, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात निषेचन क्या होता है, निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, यह सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके पश्चात गाइस, हम लोगों का आता है तीसरा मानव जनन। मानव जनन क्या होता है, मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया को अपनाता है तो उसे हम लोग मानव जनन कहते हैं। मानव जनन में गाइस, यहाँ पर हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात हम लोग शुक्राणु पढ़ेंगे, अंडाणु पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो मादाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आर्तव चक्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात जैसे मान लीजिए या कोई मादा का भाग हो गया, गाइस ये हो गया हम लोगों का मादा जनन तंत्र। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से मेल गैमिट आया और ये मेल गैमिट यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में गया और यहाँ पर जो अंडाशय होता है अंडाशय से ओवम निकल कर आया, ये दोनों यहाँ पर आए और फर्टिलाइज किए। फर्टिलाइज करने के पश्चात अब यहाँ पे जो भ्रूण बना है यह भ्रूण कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर स्थित होगा, जिसके पश्चात शिशु का निर्माण होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसमें सगर्भधा व अंतरोपण तथा भ्रूणी परिवर्धन, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तथा इसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ पर भ्रूण बना और आकर यहाँ अपरा से चिपक गया, या अपरा की संरचना ऐसे होती है, यहाँ पर आकर चिपक गया। चिपकने के पश्चात जब सगर्भता हो गया, सगर्भता जब भ्रूण यहाँ अपरा की दीवारों से आकर चिपक जाता है तो इस स्थिति को हम लोग सगर्भता कहते हैं। अब इसके पश्चात जब प्रसव की प्रक्रिया आती है, जो मादाओं में प्रसव की प्रक्रिया होती है वह 9 से 9.5 माह तक होती है। तो गाइज, अब इसमें जब 9 से 9.5 माह तक हुआ तो जब प्रसव की प्रक्रिया होगी, प्रसव की प्रक्रिया में जो शिशु रहेगा वह बाहर आएगा।
तो इसे हम लोग प्रसव कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग दुग्ध श्रवण के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मानव जनन में। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य की कार्यनीतियाँ क्या है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, आजकल बढ़ती जनसंख्या जो है उसे हम लोग कैसे नियंत्रण करेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हैं, इसके निवारण क्या हैं, तथा बढ़ती हुई जनसंख्या से किस प्रकार के प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे बढ़ती जनसंख्या को रोकने के कारण, जैसे बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार का लोगो बताया गया है, जैसे हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, इन सब के द्वारा लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि यह जो बढ़ती जनसंख्या है यह आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएगी। इसके लिए हमें इसमें जनसंख्या को अस्थायीकरण करने के उपाय में भी पढ़ेंगे, और जनसंख्या को अस्थायीकरण करने के लिए हम लोग कुछ चिकित्सीय विधियों को अपनाते हैं, जैसे हो गया बंधता, बंधता में हम लोग नर में वैस्कोटॉमी तथा मादा में, नर में नसबंदी तथा मादा में नलबंदी होता है। इसमें नलबंदी व नसबंदी के द्वारा जो शुक्राणु व अंडाणु का संयोजन होता है उसे रोक दिया जाता है, इसके द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तथा इसमें हम लोग चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन भी पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग यौन संचारित रोग भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो बंधता है उसे भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जनन स्वास्थ्य में। इसके पश्चात गाइस में जो हम लोगों का पांचवा चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें हम लोग वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत में मेंडल के नियम को पढ़ेंगे। मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधों पर अपने प्रयोग करके नियम को दिया, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल ने 1856 से 1863 तक मटर के पौधों पर, और कौन सा मटर था, उद्यान मटर था, मटर के पौधों पर अपने मटर के पौधों पर प्रयोग करके इन्होंने नियम को दिया, तो हम लोग उनके पूरे नियम को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में एक जीन की वंशागत, दी जीनों की वंशागत तथा लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और जो आनुवंशिक विकार होते हैं गाइज, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो आनुवंशिक विकार होता है, आनुवंशिक विकार, यह 3 प्रकार का होता है, मेंडली विकार, गुणसूत्री विकार क्रोमोसोमी विकार। गाइस इसमें हम लोग जो वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार क्या होते हैं, वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतत से दूसरे संतत में चलते रहते हैं उसे हम लोग आनुवंशिक विकार कहते हैं। आनुवंशिक विकार को ले जाने वाला कारक जीन कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं गाइस। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर आनुवंशिक विकार 3 प्रकार के होते हैं, पहला हो गया मेंडली विकार, दूसरा हो गया गुणसूत्री विकार और तीसरा हो गया क्रोमोसोमी विकार। इन सब के अध्ययन पढ़ेंगे तथा ये विकार किस कारण से होते हैं, किस गुणसूत्र पे होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके निवारण क्या है, हम लोग यह सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे पांचवें अध्याय में। फिर इसके पश्चात गाइस जो हम लोगों का 6वां अध्याय है वह है वंशागत के आणविक आधार। वंशागत के आणविक आधार में हम लोग DNA पढ़ेंगे, आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में पढ़ेंगे, RNA पढ़ेंगे, आनुवंशिक कोड पढ़ेंगे, DNA फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे, मानव जीनोम परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, तथा इसके साथ साथ हम लोग लैक प्रचालक में लैक ओपेरान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 7 प्रकार के एंजाइमों का उपयोग किया गया है। जैसे लैक ओपेरान यह बैक्टीरिया में होता है ऑक्सीजन की पूर्ति, ग्लूकोज की पूर्ति के लिए, यह सब प्रक्रियाओं को हम लोग इसमें वंशागत के आणविक आधार में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात गाइस हम लोगों का जो 7वां चैप्टर है वह है विकास।
विकास में हम लोग यह जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। गाइस वैज्ञानिकों का मत है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है यह हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व बिग बैंग नामक होल के कारण हुई है। इसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे विकास में। इसके साथ साथ हम लोग हार्डी वेवन का सिद्धांत पढ़ेंगे। जो हार्डी वेनवर का सिद्धांत है वाई पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यह जो है हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है। हम लोग हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत को भी इसमें पढ़ेंगे। हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत को हम लोग इसमें पढ़ेंगे तथा इसके साथ साथ हम लोग इसमें समरूप अंग, समजात अंग, जय विकास, मानव का उद्भव तथा मानव का वृद्धि व विकास, इन सब टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पश्चात गाइज इसमें आठवां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। गाइज मानव स्वास्थ्य तथा रोग में जैसे रोग क्या होते हैं, रोग है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें कोई हानियां होती हैं उसे हम लोग रोग कहते हैं तथा रोग के कारक को हम लोग पैथोजन बोलते हैं, रोग जनक बोलते हैं। तो गाइज इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रॉब्लम किससे होगा, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, इन सभी के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टिटनेस हो गया, निमोनिया हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काला खांसी हो गया, काला ज्वर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तथा इसके कारण क्या हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसमें प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे और जो एड्स होता है एड्स के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के कारण के बारे में पढ़ेंगे, क्या कारण है जिसके कारण एड्स होता है, क्या एड्स एक अनुवांशिक विकार है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके साथ साथ हम लोग कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे। कैंसर में क्या होता है, अनियमित कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती है वह अनियमित, उनमें अनियमितताएँ हो जाती है अर्थात वे अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती हैं जो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। और कैंसर का परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडियोथेरेपी, इन सब के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और गाइज एक टॉपिक और है वह आजकल जो किशोरों का एक शौक हो गया है, जो उनका एक मतलब बीमारी हो गई है उनके लिए, उनकी एक लत लग गई है ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग और उससे बचाव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गाइस यह आज आने वाले समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम लोग इसके कारण व निवारण के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात गाइस हम लोगों का जो इसमें नौवां अध्याय है वह है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ में इसमें हम लोगों का टॉपिक है पहला पशुपालन है, इसके साथ साथ पादप प्रजनन है, एकल कोशिका प्रोटीन है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात गाइज इसमें दसवां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। गाइज जो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से यह हमारे लिए लाभदायक हैं, तो इसमें जैसे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, घरेलू उत्पाद में जैसे हमारा जो दही होता है वह दूध से कैसे बनता है, जो दही होता है वह दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है, दूध से या लैक्टोबैसिलस यह जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है या दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, या हमारे जो दही होता है या जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है यह हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि इसने दूध को दही में परिवर्तित कर दिया है। तो इस प्रकार से यह जो सूक्ष्म जीव है यह हमारे लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैसे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जैसे ईस्ट का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ विस्की ब्रांडी इन सब के उत्पादन में जो होता है सूक्ष्म जीव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात बायोगैस के निर्माण में, जो बायोगैस गोबर गैस होता है उसमें सूक्ष्म जीवों को डालने पर वे किण्वन की क्रिया द्वारा उसे बायोगैस को एक गैस में रूपांतरित कर देते हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक जैसे खाद्य जैसे खेतों में फसल की कमी है या फसल की उपजाऊ कम है तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम उसके उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब अध्यायों को हम लोग
क्लास इस हम लोग चैप्टर 10th में मानव कल्याण में सोच मुझे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात गाइस जो 11वां चैप्टर है वह है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके, और इसमें हम लोग पुनर्योगज डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डीएनए के तकनीक के प्रक्रम, डीएनए में क्या क्या चेंजिंग करके कुछ नए कुछ विशेष प्रकार के पौधों पादपों का निर्माण करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। फिर इसके पश्चात जो 12वां चैप्टर है वह है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है कि किसी भी जीन में उसके जो अनुक्रम है, जो क्षार हैं, उसमें बदलाव करके कुछ विशेष प्रकार के पादपों का निर्माण कर दिया जाए, तो यह प्रक्रिया संभव हो सकती है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो गाइस जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि में उपयोग, जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है वह कृषि में क्या उपयोग है, जैसे कृषि में हम लोगों ने जैसे कृषि में वैज्ञानिकों ने बीटी कपास को बनाया। बीटी कपास वह कपास होता है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं को मारने में स्वयं वह सक्षम होता है। और इसमें एक पेड़ और भी आता है जो आता है पोटैटो टोमैटो। गाइज यह जो पोटैटो टोमैटो है यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। इसमें नीचे की तरफ आलू और ऊपर की तरफ टमाटर उत्पन्न होंगे। तो गाइज इसके द्वारा जो यह जैव प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा हमारे जो खाद्यान्नों की आपूर्ति आसानी से कराई जाती है। फिर इसके पश्चात गाइज यह सब हो गया, हम लोग इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कोई वैक्सीन बनाना है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही उसका, जैसे सूक्ष्म जीवों का वैक्सीन बनाना है तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हम लोग उसे बना सकते हैं। फिर इसके पश्चात गाइस जो इसमें 13वां चैप्टर है जीव और समष्टियाँ, 13वां चैप्टर में जीव और समष्टियाँ, जैसे कोई भी जीव है वह कहाँ पर रहता है, उसके अनुकूल वातावरण है कि नहीं है, पर्यावरण के बारे में, तथा जो समष्टियाँ हैं जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता, इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता, अगर द्वितीयक उपभोक्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और जो उच्च उपभोक्ता है वह तो खाने के लिए, मतलब उनमें खाने की कमी हो जाएगी, अर्थात वे धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। इन सबको बारे में हम लोग जीव और समष्टियाँ पढ़ेंगे। इसके पश्चात 14वां है परितंत्र। पारितंत्र क्या होता है हम लोग इसमें पारितंत्र संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पोषक चक्र के बारे में पढ़ेंगे, किष्टोन जातियाँ क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पारितंत्र सेवाएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके पास गाइज हम लोगों का जो 15वां चैप्टर है वह है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता अनुवांशिकता क्या होता है, जाति क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद गाइस जो हम लोगों का इसमें 16वां चैप्टर है वह है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण, जैसे पर्यावरण जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ एक आवरण है जिसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं, तो पर्यावरण जो हमारा अब प्रदूषित हो रहा है, जैसे पर्यावरण हमारे जल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, ये सब जो जल है, जो जल प्रदूषित हो रहा है, इसके बचाव के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से कारण हैं जो जल को अत्यधिक प्रदूषित कर रहे हैं वह हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, वायु को इसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। और गाइस जो हमारा ओजोन परत है, जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाया जाता है। जो हमारा ओजोन परत होता है, ओजोन परत जिसका सूत्र O3 होता है, ओजोन परत O3 या पाया जाता है हमारे समताप मंडल में, समताप मंडल में। गाइस जो हमारा ओजोन है यह समताप मंडल में पाया जाता है, इसमें जो छिद्र हो गया है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके ऊपर, जो इसके ऊपर के जो ओजोन लेयर है उसमें छिद्र हो गया है। जो 1885 में कितना था, 1890 में कितना था, 1895 में कितना हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गाइस क्या क्या कारण है जिसके कारण हमारा जो ओजोन परत है वह
इन्फेक्टेड हो रहा है, वह ग्रसित हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें गाइज एक टॉपिक और है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है, जैसे वृक्षों, जो वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनका अत्यधिक मात्रा में कटाई किया जा रहा है, तो इसे रोकने के लिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो गाइज आज का यह हो गया हम लोगों का क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस ओवरव्यू। तो गाइज आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।